we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे हो गया स्प्रिंग शुरू और हमने सोचा कि भाई थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए अभी हम आए हुए हैं होम डिपो में। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोर है और यहाँ पे सारा हमें नर्सरी का आइटम मिल जाता है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या अभी हम लेते हैं। और होम डिपो के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे इजीली हमको नर्सरी का जो आइटम्स है वो मिल जाते हैं, जैसे वॉलमार्ट और कॉस्टको। चलते हैं अंदर और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं होम डिपो के अंदर। बहुत बड़ी स्टोर है, यहाँ पे गार्डनिंग के अलावा और भी बहुत सारा सामान मिलता है, वो उसको मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले चलते हैं नर्सरी की तरफ। सो गाइज अभी हम आ गए हैं नर्सरी के अंदर और यहाँ पे आपको आकर सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आपको गार्डनिंग की चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरे प्लांट्स हैं, लुक एट दिस। तो यहाँ पे आके आपको सारे तरीके के प्लांट्स मिल जाएंगे। मैं सोचूँ अपने टेबल के लिए ये छोटा वाला ऐसे कुछ प्लांट्स ले लूँ। तो यहाँ पे छोटे प्लांट्स भी मिलते हैं, अगर आपको बड़े प्लांट्स चाहिए तो वो भी मिलते हैं लाइक दिस। ये इन्होंने लेवेंडर का पूरा यहाँ पे प्लांट किया हुआ है। इसके तरीके के यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अभी हमने अपना कैक्टस वाला स्मॉल वाला प्लांट तो ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जितने भी ये प्लांट्स हैं इन्होंने इसको पूरा क्लासीफाई करके रखा हुआ है। शर्ब्स को शर्ब्स की जगह में रखा है और अगर कुछ ग्रास है तो ग्रास को ग्रास की जगह में रखा है। तो लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, वो ईजिली आके यहाँ पे पिक करते हैं और अपना सामान ले लेते हैं। तो हमने ये लिया है सक्यूलेंट, पर पहले मैं ले रही थी कैक्टस, तो हमने वो प्लांट ड्रॉप कर दिया। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो इसको मैं सोचूँ अपने टेबल के साइड में रख दूँगी। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। और इसके बाद देखते हैं बीज लेना है, हमको बीज ले लेते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं सीड्स लेने के लिए। तो हम सोच रहे हैं फ्लावर के लिए सीड्स लें, क्योंकि पिछले समर में हमने मतलब वाइल्ड फ्लावर्स वाले सीड ले लिए थे तो वो कुछ ज़्यादा ही आउटग्रोथ हो गया था उसका। तो सोच रहे हैं कि इस बार छोटे वाले फ्लावर्स के लिए ले लें जो छोटे छोटे रहें। तो हमारे पास पॉट्स तो ऑलरेडी हैं और सॉइल भी है, और सॉइल का भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा रहता है, अलग अलग तरीके की सॉइल्स रहती हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन से बीज हमको लेने हैं। कौन से लें परी? तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे ये मॉर्निंग ग्लोरी है तो इसके पीछे इन्होंने इसको ये भी बता रखा है, जैसे इन्होंने इसमें अमेरिका का चार्ट दिया, अमेरिका का मैप दिया हुआ है और इसमें बताया हुआ है कलर कोडिंग के हिसाब से कि आप इसको कौन कौन से मंथ में उगा सकते हैं। जैसे हम रहते हैं कैलिफोर्निया में, तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर है ये मार्च टू मई में हम इजीली इसको उगा सकते हैं। और ये जो ब्लॉसम टाइमिंग्स हैं वगैरह वो भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि कब तक ब्लॉसम करेगा। तो अभी मैं हूँ सॉइल के सेक्शन में, यहाँ पे आपको हर तरीके की सॉइल मिल जाएगी। सपोज़ अगर आपको कैक्टस उगाना है तो कैक्टस के लिए अलग सॉइल रहती है, अगर आपको वेजिटेबल्स उगाने हैं तो वेजिटेबल्स के लिए अलग सॉइल रहती है। तो यहाँ पे ये पूरी इन ग्राउंड सॉइल है, उसके अलावा यहाँ पे पॉटिंग मिक्सचर भी रहते हैं तो वो भी लोग यहाँ से मतलब भर भर के लेके जाते हैं। और सॉइल के अलावा यहाँ पे मल्च भी मिलता है, तो मल्च भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला सेक्शन पूरा है मल्च का, यहाँ पे ये पूरा मल्च मिलता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये मार्बल्स भी अगर आपको लेने जैसे पौधों के आसपास लोग लगाते हैं तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा इसका मल्च और इनका सामान यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। ऑल राइट गाइज, अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और अभी हम जा रहे हैं DHL में। एक्चुअली हमें अर्जेंटली इंडिया कुछ डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने थे तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं DHL। तो मैं आपको दिखा देती हूँ भाई यहाँ का DHL का ऑफिस कैसा दिखता है और क्या थोड़ा बहुत प्रोसेस रहता है। और देखते हैं कि भाई दो लोगों को अंदर एंट्री करने देते हैं कि नहीं, बिकॉज बहुत टाइम से जब हम वहाँ जाते थे, बहुत टाइम पहले जब हम वहाँ गए थे तो वो वन पर्सन को ही अलाउ करते थे। You and I, we got it.
पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे DHL के ऑफिस में और परी जा रहा है आगे, देखते हैं कि जाने देते हैं कि नहीं दोनों को, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कि पिछली बार जब भी हम पहले आते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो चाहे वो फैमिली मेम्बर क्यों ना हो एक ही बंदे को अलाउ करते हैं, लेट्स सी देखते हैं। और आज यहाँ पे मौसम बहुत ही खराब है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। तो चलिए ऑफिस के अंदर तो नहीं जा सकते, मैं आपको यहाँ का बाहर का दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये है इनका सॉर्टिंग फैसिलिटी सेंटर, यहाँ पे पूरे DHL की जो भी वैन्स होती हैं यहाँ पे आती हैं, उसके बाद यहाँ पे पूरा जो सॉर्टिंग वगैरह होती है उनकी यहीं होती है। DHL के अलावा यहाँ पे FedEx का भी है, FedEx का भी इन्होंने यहाँ पे ये इनका वेयर हाउस वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका भी सॉर्टिंग फैसिलिटी यहीं पे ही है। और उसके साथ है यहाँ पे ये ब्यूटीफुल व्यू। तो एक्चुअली हम लोगों को कभी भी कुरियर करना होता है हम इसी वाले DHL में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे माउंटेंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मोस्टली तो क्या रहता है, समर्स के दौरान ये पूरे सूख जाता है, जितनी भी इसमें छोटी छोटी घास होती है तो ये पूरा ब्राउन वेलवेट की तरह दिखता है, और विंटर्स के मतलब जब स्प्रिंग आने वाला होता है दोबारा से ये हरा हो जाता है और पूरा ग्रीन वेलवेट की तरह दिखता है, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है और मतलब ब्रेड टेकिंग व्यू होता है इसका। तो आज मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की है वीडियो में, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऑल राइट गाइज, कल कुरियर करने के बाद हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, होम डिपो से हमने जितना भी गार्डनिंग का सामान लिया था तो आज इसका कार्यक्रम चालू होने वाला है। जितने भी सीड्स लेके आए थे होम डिपो से अभी हमको उसको करना है सो। और लास्ट समर में हमने पॉटिंग मिक्सचर और जो पॉट्स थे ना वो ऑलरेडी हमारे पास है, कर रही थी इस पॉटिंग मिक्सचर की बात, ये वाला पॉटिंग मिक्सचर हमने लास्ट समर में लिया था, तो ये अभी इसको हम यूज़ करेंगे अपने पॉट्स में सारे। तो हमारे पास है 4 पॉट और हमने ये जुगाड़ भी कर लिया। एक्चुअली इसमें ऑलरेडी मतलब जो पानी ड्रेन होगा, इसकी प्लेट तो है इसमें, ये नीचे वाली ये वाली है इसमें, बट ये पानी नीचे ना करे उसके लिए हमने वाले डिस्पोजेबल प्लेट्स इसमें यूज़ कर लिए। और ये हमने दूसरा किया है जुगाड़, ये हमने यूज़ किया हमारा जो मिल्क का बॉटल है उसको एज अ पानी डालने के लिए यूज़ किया है, और ये हमारा है फर्टिलाइज़र। अभी परी हम क्या लगा रहे हैं, पहले ये बड़े वाले में सबसे पहले मेथी दाने लगा देंगे तो पूरे में मेथी उगेगी, और ये जो छोटे वाले फ्लावर्स के हैं छोटे छोटे पॉट्स में लगा देंगे, इसके लिए लिखा ही हुआ है इनके ऊपर की 12 इंच के पॉट में लगाना है, तो उसमें लगा देंगे इनको। ठीक है फिर इससे शुरू करेंगे ना हम, पहले सबसे पहले इससे शुरू। We wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. तो गाइज हमने अपने सारे जो सीड्स थे उनको कर दिया है यहाँ पे प्लांट, अब थोड़े दिनों में वो अब जब उनका पूरा वो उग जाएंगे तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय। माली जी पानी डाल रहे हैं, पानी जी मालिक, और कुछ मालिक और कुछ साहब आप बोलो बस। Before I sleep, hear the crickets sing.